पूछता हूं बार बार, मैं कौन? खुद से बिल्कुल अनजान, खोजता हूं लगातार, शायद मैं उत्तर नहीं उठा एक सवाल, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? और हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? मानो खड़े हूं मध्य में, दिशाएं ढूंढता हूं, ना लंबा फासला है पूरब और पश्चिम के बीच, जिंदगी के बस स्टैंड पर क्या छूटी हुई माल हूं? छूटती हूं बाहर भीतर, किसके भीतर भीतर है और किसके बाहर बाहर, शब्दों की ये महेली सुलझा नहीं पाती, स्वरों की मात्रा का हर सिकार या दीर्घाकार हूं, सोचता फिर वृक्ष हूं, जड़ से लेकर पत्तों तक फूल उसका हल हूं, संवहन प्रवहन में नीचे ऊपर दौड़ता हुआ मैं धरा का नीर हूं, हरी लचकती डालों से बना सिलसिला जीवन का गुथा, फाक था उसका चूजा, एक हूं दूजा हूं, मैं जीवन का नीड हूं, जड़ और मिट्टी के मध्य बनी एक अनोखा रिश्ता, नाचती कण कण में भूखा, सोरों के पोरों में समाता, निर्जीव हो जाता सजीव, मैं उस सृजन की दान हूं, झूमता आकाश जिससे ऋतुएं है चित्र उगे, उंगलियों के अधरों पर हिलते सुमन को चूम, बलखाती हवाओं की लय गति और ताल हूं, सूख कर फिर काष्ठ होता, किसी पेड़ का पाठ होता कागज, कभी होता वसंत कुर्सी मेज अलमारी बन, घर घर में बुना हुआ हर कहानी का पात्र, कौन हूं मैं?
अर्घ से उठता धुआं, चूल्हों में पकता हुआ सुधा के आवेग का उठती गिरती तरंग हूं दृढ़ मैं इस जगत में, मैं भदकती आग हूं, धूर्ता हूं जगह जगह, खटखटाता पल पल, पलटता पल जो बीत गया, झांकता भविष्य एक तक, ब्रह्मांड के आकार का घूमता देश काल हूं, स्मृतियों के मोड़ पर कुछ पलों को छोड़कर जिन्हें जी सका न मैं, और गया आगे निकल, आह्लाद और विषाद सुने अतीत का आख्यान हूं, प्रेम में और घृणा भी मैं, मोह व श्रद्धा लिए दिलों का अंधविश्वास, खोजता हूं निरंतर मैं कौन, काल्पनिक हूं नहीं जानता। वास्तविकता और काल्पनिकता में अंतर,
समय की गणना से लेकर आज तक का मनुष्य होने का पूरा सारा नहीं जानता एक साथ। मुझे नहीं यार, शून्य में हो सकता है विस्फोट और उत्पन्न हो सकती है आवाज, जो सुनी थी बहुत पहले, तब मेरी स्मृति का नहीं हुआ था प्रादुर्भाव। नाद रूपांतरित ये ब्रह्मांड है, गैस, पत्थर, पानी और जीव अनगिनत आकारों का। याद है शून्य का कौन सा हिस्सा, आवास की कौन सी आवृत्ति, जमकर हुई तरंग है, बनी किसी गैस का परमाणु, ब्रह्मांड की किस चट्टान से रिसकर संभूत हुई पानी की पहली बूंद, नहीं जानता। और फिर मैं बना पहला एक कोशीय जीव, जिसे बहुत बाद में अमीबा कहा गया, वो मरा नहीं, बहु कोशिकीय बना, शैवाल, दूब, परिंदा, वृक्ष, मछली, कछुआ, सुअर, बंदर, नर्स है। अंतरिक्ष में रहते हुए परमाणु पहचानते हैं एक दूसरे को, पानी की एक बूंद की घनिष्ठ मित्रता है एक दूसरे से, वृक्ष जानते हैं हवाओं को, पत्तों के इशारों से करता सरगोशिया दक्षिण अफ्रीका से साइबेरिया। मुझे तो याद भी नहीं प्रशांत महासागर के केप हॉर्न के समीप जब मैं मछली था, पानी की बुलबुलों के द्वारा कैसे की थी भाग आर्कटिक के अपने दोस्तों से। पच्चीस लाख वर्ष पहले धरती का सीधा खड़ा पहला मानव रूप मैं ही था, और वहीं से शुरू हुई समय की पहली इकाई। पर मैंने आगे नहीं सीखा गिनना पीछे, मेरा समय पीछे से शुरू हुआ, इसे आज तक टोल नहीं पाया। आज भी समय के साथ नहीं मैं, जब घुटने पकड़ कर खड़ा होता हूं वो ढलकर क्षितिज हो जाता है, मेरे पीछे गहरा अतीत का समंदर दिनों दिन गहरा होता हुआ। 8 लाख वर्ष पहले मैंने खोजी थी आग, आग को बनाया मैंने अपने हाथों की शक्ति स्रोत, मैंने मैंने जंगलों को जलाया, शेरों को भी भगाया। पके हुए भोजन के कारण घट गई मेरी आंतों की लंबाई, पर धीरे धीरे बढ़ने लगा मेरे मस्तिष्क का आकार। मैं जान गई पत्थरों में छिपी लकड़ियों की रेशों में तनिया, दो परमाणुओं के बीच अन्न जल धरती आकाश में जिस आविष्कार ने सबसे ज्यादा खुशी दी वो आग ही है। आग में पका भोजन खाने से अधिक सुकूनदायक और कुछ नहीं, और इसी सुकून से महसूसा 70,000 साल पहले अनुभूत क्या है। और उसी के साथ आई कल्पना शक्ति और मैंने रच डाला ईश्वर, धर्म, संस्कृति, देखी अदेखी सारी प्रकृति को पहना दिया विचारों का और रच डाला पृथ्वी पर घृणा, हिंसा, राग, द्वेष। Thank you.
तब महाविस्फोट के बाद चिंपांजी के मुंह से पहला झूठ मैंने ही बोला था, शेर आ रहे हैं। अपने सहयोगियों के द्वारा किया इकट्ठा। अनुभूति और कल्पना मेरी पहली जीत थी पृथ्वी पर, हार गए शेर। हवा की तरह धरती पर फैल गया मेरा साम्राज्य, अफ्रीका से आइसलैंड तक। कबीला, साम्राज्य और तंत्र, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों से आगे गढ़ दिया मैंने राष्ट्र और देश, और अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं लेकिन है कुबेरों का घर। 10,000 वर्ष पूर्व जब सीखा बोना गेहूं का बीज, धरती की लाली सभ्यता मैंने, कृषि क्रांति धरती का क्या सबसे बड़ा धोखा थी, इसके जाल में फंस गया मैं खुद ही उलझकर। वस्तुतः मैंने नहीं पाला गेहूं को, अपितु मुझे ही पालतू बना लिया गेहूं के पौधे ने, छीन ली मेरी स्वतंत्रता घुमंतु शिकारी की, भोजन की सुरक्षा में हो गया रहने को मजबूर दीवारों के भीतर। गेहूं ने बढ़ाई अपनी संख्या लाखों किलोमीटर में, और आदमी भी तो होता गया 100 से 1,000 फिर लाख करोड़। गेहूं की ही सहूलियत ने बना दिया है मुझे और अधिक हिस्सा, विलासी और निष्क्रिय। विलासिता की कल्पना में तोड़ता गया पत्थर, बनाता गया खेत, चिल चिलाती धूप में सींच गया पौधा, धोकर अपने सर पर बाटी होता गया दुखी, जितना होगा पाता गेहूं उससे कहीं अधिक उगाने लगा गेहूं खाने वाले मुंह। छोड़कर अंजीर का पेड़ घुमंतुओं की तरह अब नहीं भर सकता था कुलाचे, बंद गया हूं मुंह अपने घर खेत के, और इसीलिए मारा जाने लगा अपने पड़ोसी के आक्रमण में, और अक्सर ही आकर हमारियों की चपेट। छोड़कर अपने पौष्टिक भोजन की विविधता, कंद मूल फल और मांस की संपन्नता, मैंने किया दुखों का भंडार केवल गेहूं के दानों के कारण। होकर कमजोर और निरीह, सुरक्षा की चाह जरा सी जो अब तक मुकम्मल हो न पाई औद्योगिक और डिजिटल क्रांति के बाद।
को मोड़ने का। कौन है दोषी उस झूठ का? गेहूं का पौधा या धार्मिक अंधविश्वास जिसने मजबूर किया तराश कर पत्थरों को करना मंदिरों मस्जिदों और गिरजाघरों का निर्माण? जिस अभिशाप की पूर्ति के लिए चाहिए था गेहूं और अधिक गेहूं, गेहूं ने कर दिया मुझे अथक श्रम से मुक्त। कल्पना के पंख पहन उड़ते गए विचार, विचारों के रेशे रेशे में किसी कागज पर किए हस्ताक्षर की तरह चिपक गई कल्पना। प्राकृतिक दुनिया से लगभग निकलकर कब डूब गया इस काल्पनिकता में मुझे तो पता ही नहीं चला। तब मुझे क्या पता था, उन आदिम चट्टानों के कण कण में छिपी थी कल्पना की परत, और जब बाहर आई विचारों की तरंगों से टकराकर मेरी मस्तिष्क की कोशिकाओं से गढ़ने लगी थी दुनिया के भीतर की दुनिया, अनेक दुनिया समानांतर। पानी, हवा और चावल के दाने की तुलना कब घोषित कर लिया खुद को समझदार, ये बताना नहीं चाहता। समझदारी मेरी हो सकती है बेवकूफी, पर मेरे सिवाय इस धरती पर आज है भी कोई जो कह सके सत्य को सत्य झूठ को झूठ। मैं जानता हूं अपनी सुरक्षा के लिए मेरा बड़ा ईश्वर मेरी सबसे बड़ी कल्पना है, लेकिन वही है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मेरी मौत का जिम्मेदार। बहुत घातक है ईश्वर के आगे का नहीं सोचना, इसमें नहीं कोई समझदारी। पुरानी गाड़ी को चलाते जाने इसी ईश्वर ने तो ला खड़ा किया है मुझे मृत्यु के समक्ष, मगर कोई तो मुंह खोलो और ये बोलो कि मृत्यु जीवन की आखिरी पायदान नहीं है और ना है अवश्यम भावी। मृत्यु जीवन का नियम है तो अपवाद जरूर होगा इसका भी, जिसे मैं नहीं जानता। यही अनभिज्ञता तो मेरी ताकत है, जानने का एक अवसर यही तो बाकी। मैं हूं मनुष्य, स्वीकार नहीं मुझे वो नीति नीति वेदना, नैतिक यही मेरे लिए, जानू इसको इति इति। और जाना जो अब तक है वो तो मेरी लघु सीमा है, और जो जानना बाकी है मेरे जीने की वही संभावना है। एक सीमित दायरे में जीने का अब ना रहा गुमान कोई। आदमी बनकर जैसे जिंदगी ठहर सी गई, आगे रखेगी कौन सा रूप नहीं जाना। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी का बीज बनी थी ये तो पता भी नहीं चल सका। पत्थर की लकीर सा अमित कुछ भी नहीं है मुझमें, परंपराओं की तह में छिपा वो कीड़ा भी नहीं जो भीतर ही भीतर खा जाता है हरा पेड़, जिसे फल से ज्यादा पसंद है वृक्ष की देह। आलिशान महल की नींव में असमय दबा दिया गया
वक्त का पत्थर भी नहीं तो किसी खूबसूरत फूल सा खिलने से रह गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुघर साक्ष्य मूर्ति नहीं जो देखती रह गई धरती के सीने को बखोरता निकलता गया निर्विरोध समय का ये खूंखार पहिया समय का अंतहीन पहिया यूं ही घूमता जाएगा पर धरती पर पैदा होकर मर जाने का है सबूत नहीं। मैं विकास की कहानी बन गई जो हाथों में लहराती थी क्रूर सफलता की ध्वजा कुचलती और मसलती जाए संजीत की और संवेदना। मेरी जिंदगी बाजार के सिक्के के दो पहलू भी नहीं कि चंद सिक्के पाकर मैं गरीब से अमीर हो जाऊं। मैं एक पतंग कथा भी जब जब बढ़ती है महत्वाकांक्षाएं मैं गिर जाती घन खनाती समय की फर्श पर। हाँ मैं मृत्यु भी और उससे आगे जीवन की तरह नदियों में बहता रहा आकाश में उड़ता वृक्षों पर खिलता रूपों में दिखता रहा मृत्यु मुझसे अलग नहीं साथ साथ चलती वो कहीं से आती नहीं जब तक मैं हूं जाती नहीं। डरती न डराती है कब्रिस्तान के पत्थरों के बीच हरी घास से उगाती हवा में मेरे पैरों के निशान लिए घूमती हंसती रोती जो भी मैं करती वो देख लेती पर कभी हंसती नहीं रोती नहीं। उसका कोई घर नहीं दिल में मेरे वो रहती मेरे मन में वो पैर पसार दुनिया लांग आती और गले में बाहें डाल रोज मुझे वो चूमती मैं और मृत्यु दोनों रूप नए रोज रखते हैं एक दूसरे से छिपते छिपाते हम आग मिचोली भी तो खेलते हैं। इस कक्षा में पढ़ा था वहां वो पढ़ाती हयात की अनगिनत तस्वीरें वो मुझे दिखाती जीवन का रोमांच जो है एकदम शुद्ध है अलग कुछ मैं नहीं अलग मुझसे वो भी नहीं। कौन हूँ मैं?
बहुत धन्यवाद। अब मैं नाटक के लेखक आदरणीय श्री अशोक शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने में विचार यह जीवन स्वाभाविक खोज है कि जीवन है क्या, तो हम लोग अनेक माध्यम से इसकी खोज करते हैं, साहित्य हो, कला हो, या निकर हो, या धार्मिक विश्वास और अंधविश्वास। ये कविता इसीलिए लिखी गई, जब हम किसी भी चीज को मान लेते हैं तो हमारे जीवन का अंत हो जाता है, फिर हमारे जीवन की गाड़ी प्रोग्रेस नहीं करती। लेकिन जब उसको प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो वहां से अनेक अवसर, अनेक दिशाएं खुलती हैं जहां हम जा सकते। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य होने के नाते हमें हरेक उस आस्था, अनास्था, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। हमें इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना होगा कि जो हमारे माता पिता ने सिखाया है क्या वो सही था। हमारे स्कूल में जो हमारे शिक्षक ने सिखाया क्या वो सही था। और आगे जाके जब हम पड़ोस और समाज से जब मिलते हैं हमें उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। जब तक हम ये प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे हम जान नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं, और बिना जाने ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या है। तो कविता के माध्यम से एक प्रयास है, अंत में जाकर के हमारे जीवन की बात वही खत्म हो जाती है कि मृत्यु आ जाती है। लेकिन इसमें एक सबसे पॉजिटिव बात यह है, जीवन के बिना मृत्यु की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले जीवन है, बाद में मृत्यु है, लेकिन मृत्यु होती क्या है इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन यहां नहीं। क्या मरता है, वो क्या चीज है जो मर जाता है, इस पर भी प्रश्न खड़ा करने की, सोचने की और समझने की आवश्यकताएं होगी। और त्रिकर्षी संस्था को तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सारे लोगों को। मैंने ये कविता नाट्य मंचन के उद्देश्य से नहीं लिखी थी, लेकिन इन लोगों ने वो भी कर दिखाया और बहुत बखूबी किया है। और इतना डिफिकल्ट है, जीवन और मृत्यु के प्रश्न से इंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, इतना कठिन काम है कि जो संभव नहीं है। तो बहुत जो जीवन के प्रति जो गंभीरता है, जो गंभीर लोग हैं वही इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर भी मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग और इस तरह के सत्य को उद्घाटित करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। COVID-19 का सख्ती से पालन किया और आनंद किया इस कविता का। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।